हरिओम। सभी प्रिय दर्शकों का हाथ जोड़कर मैं अभिनंदन करता हूँ विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ देवी अपराजिता के चरणों में शंखनादम कर चुके हैं, माँ देवी की प्रसन्न किया और माँ देवी को पुष्प अर्पण किए जाएंगे इस कार्यक्रम में, और ये हमारा नित्य की तरह आज भी लाइव प्रोग्राम है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी त्वरित जुड़ना चाहते हैं, लाइव हमसे बात करना चाहते हैं, माँ देवी का आशीर्वाद, उनके चरणों के जल का छींटा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान अवश्य होता है, जब देवी कृपा होती तो जीवन आनंद और सुखों से परिपूर्ण अवश्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो माँ देवी को प्रणाम करेंगे। हे देवी अपराजिता माता, आपके चरणों में सभी प्रिय भक्तों की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से कोटि कोटि नमन। आपको बड़े प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पिया। बोलो अपराजिता देवी माता की जय हो। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़िए, और बस करना क्या है, स्क्रीन पर अभी जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें, हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो, लगता है कॉल तो कनेक्ट है लेकिन जो भक्त जुड़े हुए हैं उनका ध्यान लगता है कहीं और है। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लग जाती है तो सिर्फ आपको अपने मोबाइल पर ध्यान देना है, टीवी पर क्या चल रहा है, क्या आप देख रहे हैं, उस तरफ आपको ध्यान नहीं देना। हाँ, फ़ोन करने के बाद आप टीवी पर आप कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको एक बात की मैं अवश्य जानकारी दूंगा, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके जीवन में उनको मेहनत का फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जिस व्यक्ति का भाग्य का मालिक छठे आठवें बारहवें भाव में अति पीड़ित अवस्था में पाप प्रभाव में हो जाए, तो ऐसे में भाग्य का फल नहीं बनता। भागेश और द्वादेश की युति यदि अष्टम भाव में हो जाए तो उसको पूर्ण निर्भाग्य योग कहा जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो, हेलो, हरिओम। हरिओम बेटा, थोड़ा ऊंचा बोलिए, जल्दी से अपना नाम बताइए। हरिओम बेटा, अपना नाम बोलिए जल्दी से। मेरा नाम रेनू है। कहाँ से बात कर रहे हो रेनू बेटा? जोधपुर राजस्थान से। अपनी उम्र बताएं मुझे। जी, मेरी 3 मनोकामना है। बेटा पहले अपनी उम्र बताइए, कितने वर्ष के हो? 45 साल की हो गई गुरुजी। अपनी माता जी का नाम बोलो। कमला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम बेटा, आपके घर में बड़ी बेटा समस्याएं दिखाई दे रही हैं बेटा। कुछ बेटा पहले पुत्र के साथ भी बेटा कुछ गलत हुआ था, पुत्र हानि हुई बेटा आपको जीवन में? हाँ गुरुजी। पुत्र चला गया बेटा आपका छोड़ के? हाँ जी। और घर में बेटा बरकत भी नहीं है, पैसा रुका हुआ है, जो काम सोचते हो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता बेटा। आपके परिवार में बेटा सबसे बड़ी बाधा है बेटा पितृदोष इतना ज्यादा है कि ऐसे परिवारों में इस प्रकार की घटनाएं अरिष्ट हो जाती हैं बेटा। आपको सबसे पहले बेटा गायत्री का बेटा पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का आप सुबह बेटा अवश्य पाठ किया करो बेटा। एक 20 मिनट का समय निकालिए, रोजाना बेटा गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा, आपको एक बार बेटा अमावस्या के दिन, आपको वर्ष में एक बार अमावस्या के दिन गौशाला जाना है, और कम से कम बेटा 100 गौओं को हरा चारा आपको बेटा खिला के आना है। ये अपना बेटा नियम अवश्य बना लीजिएगा।
एक बेटा और आपको उपाय करना है, सुबह बेटा घर में आपको रोटी बनानी है बेटा, नमक चीनी घी डाल के एक रोटी बनाना, उसको तोड़कर अपने हाथ से कौओं को डालना शुरू कर दीजिए। रात के समय बेटा घर में दही नहीं खानी, दूध नहीं पीना बेटा आपने। अच्छा ये बताओ बेटा, कहीं कोई गाड़ी पैसा भी अटका हुआ है बेटा आपका? हाँ गुरुदेव, मेरे बेटे की गाड़ी, पैसा और फोन मेरे पति के पास है, मेरे पति मेरे पास नहीं है। और मैं चाहती हूँ गुरुजी, मेरे बेटे की गाड़ी, फोन और पैसे बैंक से मुझे मिल जाए। जी बेटा। और मैं एक संतान गोद लेना चाहती हूँ गुरुजी, वो मुझे प्राप्त हो जाएगी क्या और संतान का सुख मिलेगा क्या? बेटा अवश्य, वो उसकी भी डेथ हो चुकी है, संतान का सुख नहीं मिला। बेटा आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। अब बेटा आपको करना क्या है, एक तो आपको बेटा गायत्री मंत्र का पाठ करना है बेटा, दूसरा बेटा आपको संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को सूर्य देवता को जल देना है, और कृतिका नक्षत्र में बेल के पेड़ की मूल पति पत्नी दोनों को लाल रंग के धागे में गले में धारण करनी है, और एक बेटा शुद्ध रूबी रतन पति पत्नी दोनों को धारण करना है। जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना आपने नहीं खाना। शनिवार को जब आप बेटा स्नान करते हो तो एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, नकारात्मक ऊर्जा से, बुरी शक्तियों से बचने के लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूँ आपको बेटा, पंच पल्लव के पत्ते लेने हैं बेटा। पंच पल्लव में पीपल, गूलर, पाकड़, बरगद और आम, इसके बेटा आपको एक एक पत्ता लेना है, उसको रात के और शुक्रवार की जल में डाल के रखना है, और शनिवार को पति पत्नी ने उसी जल से स्नान करना है और पत्ते निकाल के बाहर फेंकने हैं। ये बेटा कर लेना, थोड़ी योग्य विद्वान से पितरों की शांति बेटा अवश्य करवाएं, कार्य आपके बन जाएंगे, पैसा भी आपका रुका हुआ आएगा, संतान आप गोद ले सकते हो। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो? जी मेरा गोत्र दर्जी है। अपने पिताजी का नाम बताओ बेटा। संजीव। अपने पति का नाम बोलिए। पति का नाम सुभाष है लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहते। कोई बात नहीं बेटा, अभी फोन पर बने रहिए, माँ देवी का चरणों का विशेष अमृत आपको प्राप्त होगा। बेटा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, इसमें अब कोई संशय नहीं है बेटा। तीन बार बड़े प्रेम से हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण। और प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। समस्याओं का समाधान लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सरल है। कार्य आपके अवश्य बने ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बस आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए बस एक कॉल करनी है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ा के चलते हैं, एक और प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, माँ के चरणों में। जल्दी से अपना पूरा नाम बताओ। अंजलि शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो अंजलि बेटा? लखनऊ से। अपनी उम्र बताइए। 28 वर्ष। एक से लेके 36 के बीच में एक नंबर बेटा बोल दो। 25 नंबर। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम बेटा, विवाह को कम से कम एक वर्ष तो अवश्य हो गया होगा आपके। जी गुरुजी। पति बेटा कुछ नशा भी करते हैं बेटा? पति ही तो नशा कर रहे हैं, वो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं,
घर परिवार में कलह रहती है। परिवार पर बेटा, परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर में कोई बरकत नहीं है, कोई लाभ नहीं है बेटा। हाँ जी। और काफी बेटा आप दुखी रहते हो बेटा, जब से विवाह हुआ है बेटा तब से आपको कोई जीवन में ज्यादा सुख नहीं मिल रहा, बल्कि दुख ही प्राप्त हो रहा है। जो सोचा था उसके विपरीत फल मिल रहे हैं बेटा, बिल्कुल उल्टा हो रहा है उसके। बेटा थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, उपाय तो अवश्य दूंगा लेकिन उसमें थोड़ी आपको मेहनत अवश्य करनी है बेटा। ये बताओ पति का पूरा नाम बताइए। अभिषेक। कितने वर्ष के हैं अभिषेक? ये 30 साल के। बेटा एक काम करना, पति के हाथ से आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको ना एक रांगा धातु लेनी है बाजार से, 800 ग्राम रांगा धातु लेके उसके 8 टुकड़े करके बुधवार को बेटा आप जाके पति के हाथ से बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। इसके अलावा बेटा एक नियम बनाइए जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, रोजाना थोड़े से बेटा भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़, ये बेटा आप किसी गाय को बेटा खिलाना शुरू कर दीजिए। गुड़ और चने, चने जो है वो भुने हुए होने चाहिए बेटा, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। ये राहु और मंगल का आपके पति पर प्रकोप है, जिससे गृहस्थी अस्त व्यस्त है, काफ़ी चिंता तनाव बना हुआ है। पति अपने मन से कार्य करते हैं, नशे में लिप्त हो रहे हैं, संगत उनकी गलत बनती जा रही है। अंगारक दोष यानी मंगल राहु की बेटा आपको शांति करनी है। हर मंगलवार के दिन थोड़े घर में बेटा मीठे चावल गुड़ वाले बनाया करो, यानी गुड़ चावलों में डालकर उसके मीठे चावल आपको तैयार करने हैं। उसके बेटा 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा बेटा मंदिर में जाके बेटा ब्राह्मण को दान करें, कुछ 11 रुपये साथ में दक्षिणा अवश्य रखना। दूसरा छोटे लड़कों को खिलाएं कुछ चावल का हिस्सा। तीसरा परिवार में सबको खिलाएं। तांबे की एक छोटी सी नई लुटिया में शहद भरकर लाल रंग के कपड़े से उसका मुख बांधकर घर में पूजा के स्थान पे मंगलवार को सूर्योदय काल में उसको आप स्थापित कर देना। कभी भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, रात को घर में बचा हुआ गीला आटा और जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। मंगल राहु यानी अंगारक दोष की योग्य विद्वान से शांति करवानी है। आगे गृहस्थी अच्छी चले, वैवाहिक जीवन अच्छा चले, 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज धारण करो और संध्या काल में सूर्यास्त के समय राहु की विशेष शांति के लिए घर में लोबान की बेटा धुनी जलाएं। बेटा लोबान आसानी से किसी भी परचून की दुकान से प्राप्त हो जाता है, थोड़ा लोबान ले आना, उसको बेटा थोड़ा पीस कर चूरा बना लेना, पाउडर बना लेना और थोड़े से कपूर पर बेटा उसको जला के किसी मिट्टी के दिए बर्तन में उसको पूरे घर में घुमा देना। ये उपाय करने हैं। पूजा के स्थान पर आपको 11 मोर के पंख रखने हैं और जहाँ सोते हो अपने गद्दे के नीचे भी बेटा 11 पंख आप रख देना। उपाय नियम से करिए बेटा, अति शीघ्र जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा, आनंद और खुशी का आगमन हो जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ, जाति गोत्र क्या लगाते हो? भारत द्वाज। बेटा फोन अभी बने रहिए, फोन नहीं काटना, माँ के चरणों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है आपने। कल्याण हो बेटा आपका। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, नशा यदि कोई व्यक्ति कर रहा है या तो शनि नीच अवस्था में होगा या राहु अति पीड़ित अवस्था में होगा, और यदि राहु के साथ में मंगल भी अंगारक दोष में चला जाए या मंगल राहु के प्रभाव में होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति नशे का आदि बन जाएगा। शराब पिएगा, दिन के समय भी ऐसा व्यक्ति शराब पीनी शुरू कर देता है। जो व्यक्ति विशेषकर राहु से पीड़ित रहता है वह रात तो नशा करता ही करता है, दिन में भी नशा करता है। जो व्यक्ति दिन में घर में दारू की बोतल खोल के बैठ जाते हैं, शराब पीनी शुरू कर देते हैं, मतलब ये मान लीजिए उसका राहु पीड़ित है, उसका मंगल पीड़ित है। ऐसा व्यक्ति उसे बिल्कुल भी लज्जा भी नहीं आती कि दिन में परिवार बच्चों के सामने ही वो शराब खोल के बैठ पीट जाता है, इसलिए संस्कार उसके अंदर समाप्त से हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मंगल राहु की शांति अवश्य करनी चाहिए। यही 2 ग्रह व्यक्ति को अत्यधिक नशे की ओर धकेलते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम गुरु जी।
बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बता दो। गुरुजी संदीप सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मोगा पंजाब तो। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 32 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 5। अपनी माँ का नाम बताओ। कुलजीत कौर। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ बेटा संतान को लेकर, पुत्र को लेकर परेशानी होनी चाहिए बेटा, कुछ उसके पुत्र के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा आपके? हाँ जी हाँ जी। पुत्र गुरु जी 7 साल का है, पिछले 6 महीने तो वो बोल नहीं पा रहे है। डॉक्टर आधे चक्कर काट काट के थक गए हैं गुरु जी, कोई उपाय बताओ। पहले बच्चा सही बोलता था? हाँ जी हाँ जी। कहीं कोई चोट तो नहीं लगी बच्चे को बेटा? गिरा तो नहीं बच्चा कहीं? नहीं गुरुजी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बेटा एक काम करना, एक ना कौड़ी लेनी है बेटा बाजार से आपको, सफेद रंग की कौड़ी, पंसारी की दुकान से बेटा आपको लेनी है। और पंसारी की दुकान से बेटा ये कौड़ी लेके इसको चांदी में मड़वा के उसके ऊपर एक कुंडा हुक लगवा देना। बुधवार को गंगाजल कच्चे दूध से धोकर इस बच्चे के गले में आपको धारण करवाना है जी। और बंसारी की दुकान से ही बेटा आपको एक अकरकरा नाम की जड़ी बूटी आती है बेटा, वो आपको लेनी है जी। अकरकरा नाम की जड़ी बूटी बेटा आपको लेके आप कम से कम उसको 250 ग्राम अवश्य लेके आना। उसको बेटा मिक्सर में पीस के उसका पाउडर बनाना है जी। और बेटा 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा अकरकरा का पाउडर और बाकी हिस्सा बेटा 1/2 चम्मच शहद का मिला के, उसमें शहद मिला के बच्चे को बेटा उसको चटवाना शुरू कर दीजिए बेटा। ठीक है। ये बेटा दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम को बेटा। सुबह खाली पेट करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। दुर्गा कवच का पाठ किया करो बेटा, दुर्गा कवच का परिवार में पति पत्नी आप दोनों पाठ करें। और एक चांदी की जीवा, चांदी की बेटा एक जीव बनवानी है बेटा आपको, किसी योग्य विद्वान से बेटा उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवा के किसी बेटा दुर्गा जी के मंदिर में आपने उसको शुक्रवार के दिन बेटा दान करना है, दुर्गा जी को अर्पण करना है। वाणी के ये दोष बेटा समाप्त हो जाएंगे। बुध और केतु का दोष होता है, कुछ बच्चे जन्म से बड़ा लेट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, कुछ बच्चों की वाणी में कई बार अचानक भी किसी कारण भी ये रुकावट आ जाती है, बच्चे बोलना बंद कर देते हैं, ऐसे भी कई किस्से हमने सुने हैं। तो आपको बेटा एक तो बुधवार के दिन थोड़ी पालक बच्चे के हाथ से गाय को देनी है, रोजाना इसके हाथ धोकर दूध में से 1/2 किलो दूध बेटा रोज लीजिए, उसमें से दूध में से बच्चे के हाथ धोने हैं और वह दूध बच्चे के हाथ से बेटा किसी कुत्ते को रोज डालना है। ये प्रक्रिया लगातार करनी शुरू कर दीजिए, आपके सामने परिणाम आएगा। योग्य विद्वान से बुध और केतु की ही शांति करवानी है, वो आप करिए। वर्ष में 1 बार किसी किन्नर को बच्चे के हाथ से हरी साड़ी का दान करवा देना, अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा, बच्चा आपका अवश्य बोलेगा। ये कुछ परेशानी तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा कभी बोलेगा नहीं, बच्चा आपका अवश्य बोलेगा। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो आप? गुरुजी नाम तो अभी तो सिंह लिख दे, दत्तात्रेय गोत्र है जी। बेटा अभी फोन पर बने रहिए, माँ के चरणों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है।
सदा आपका कल्याण हो बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। जो बच्चे बोलने में अटकते हैं, सभी माता पिता अकरकरा की जड़ी बूटी लेके आए या बच्चे नहीं बोलते, अकरकरा को पीस कर थोड़ा शहद में मिला के उस बच्चे को दिन में 2 बार चटाने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे बच्चों को गले में कौड़ी भी धारण करनी चाहिए और ऐसे बच्चे को वर्ष में 1 बार किन्नर को हरी साड़ी दान करनी चाहिए। थोड़े साबुत मूंग रात के समय पानी में भिगो के रखें, सुबह वो कबूतरों को पक्षियों को डाल दें, बहुत लाभ मिलता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम बबली है। जी कितने वर्ष की हो बेटा? गुरुजी मैं 24 साल की हूँ, 25 दिन लगी हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 5 नंबर। अपनी माँ का नाम बताओ। बिमला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। मेहनत का फल नहीं मिलता, सोचे हुए काम नहीं बनते, शिक्षा के अंदर बहुत अड़चने हैं, मन आपका उचाट दिखाई देता है बेटा। बिल्कुल गुरुजी, बहुत जैसे व्यक्ति बार बार कोई भी प्रयास करता है अपने जीवन में, उसके काम नहीं बनते तो व्यक्ति थोड़ा हताश सा हो जाता है, उसका मन ही टूट जाता है। कुछ मन आपका टूटा हुआ है बेटा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म है आपका। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत समय से तैयारी कर रही हूँ लेकिन बार बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती गुरुजी। एक बेटा शुद्ध पन्ना रतन धारण कर लीजिए और बुधवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपने पान के रस का तिलक लगाना है। जी गुरुजी। 16 बुधवार 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल मंदिर में दान करें और अपने वजन के बराबर सतनजा 7 प्रकार का अनाज, इसमें हरी मूंग अवश्य डलवाना 7 प्रकार के अनाज में। शनिवार के दिन जाके बेटा गौशाला में या किसी ब्राह्मण को भी आप ये दान कर सकते हो। इसके अलावा बेटा आपको एक उपाय विशेष रूप से करना है, आपको 3 धातु का छल्ला, 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम चांदी, 3 ग्राम तांबा, इन तीनों को मिश्रण करके, इसको मिक्स करके किसी सुनार से बेटा छल्ला बनवा के गुरुवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के केसर का तिलक लगा के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना और एक शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन आपको धारण करना है। राहु और बुध की थोड़ी योग्य विद्वान से बेटा पूजा अनुष्ठान करवा के इसकी विशेष शांति करवाएं, आपके काम बेटा अवश्य बनेंगे, जीवन में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बेटा मुझे अपना गोत्र जाति बताओ, क्या लगाते हो? बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो गुरुजी, सैंडल लगा दो। जी बेटा फोन पर बने रहिए बेटा अभी आप। जी आपका बेटा कार्य सिद्ध होगा। एक बार फिर से बेटा हिम्मत को बनाओ और अपनी पढ़ाई और अपनी पेपर की एग्जाम की तैयारी करिए, इस बार सफलता आपको अवश्य मिलेगी बेटा। गुरुजी मैं आपसे काफी समय से जुड़ी हुई हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, क्योंकि आप जो बताते हैं वो अवश्य सत्य होता है गुरुजी। धन्यवाद बेटा, कार्यक्रम देखते रहिए, ये सब माँ की देवी की कृपा है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों आप भी इसी प्रकार से कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, बस आपको कॉल करना है। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपकी वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पति पत्नी अलगाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आए दिन पति पत्नी में सामंजस्य का अभाव, छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं, तूल पकड़ जाती हैं और पति पत्नी जो इतना प्रेम करते हैं वो एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना मन में उत्पन्न कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? या ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जिनके प्रेम प्रसंगों में बाधा, विवाह में बाधा, लव मैरिज में बाधा, लव में धोखा उन्हें बार बार झेलना पड़ता है,
तो ऐसे में हमारे विशेष चैनल प्रेम दरबार में जाइए और अपनी समस्याओं का समाधान करें। आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताओ। दीपक गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर जी, गुरुजी मैं कर रहा हूँ दिल्ली से। अपनी उम्र बताएं। उम्र 36 वर्ष। एक से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 5। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। कुछ बेटा अपना कपड़े से संबंधित व्यापार कार्य करते हो? जी गुरुजी। कुछ समय से व्यापार काफी डाउन जा रहा है आपका? जी गुरुजी बिल्कुल। कुछ बेटा बंधन सा दिखाई देता है, ऐसे कोई ग्रह योग नहीं दिखाई देते कि जिससे बेटा आपके रोजगार में बाधा हो? जी गुरुजी बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बंधन है बेटा, एकदम व्यापार में कमी आई है पिछले 2-3 महीने से। जी बिल्कुल गुरुजी आइए। आने वाले शुक्रवार के दिन बेटा आपने क्या करना है, 4 नींबू लेने हैं, सरसों के तेल का तिलक लगा के शुक्रवार की रात को दुकान के चारों कोनों में रख के आ जाना, और शनिवार को सुबह जल्दी आपको अपनी दुकान पर जाना है, और सुबह जल्दी जब सारा बाजार बंद हो वो नींबू उठा के बेटा अपनी दुकान के बाहर थल्ले पर रख कर, जहाँ से एंट्री करते हो दुकान में, वहां रख के किसी पत्थर से तोड़ देना और ये बोल देना जहां से आई तू वहीं चली जा। उसके बाद वो नींबू उठा के किसी कूड़े में डाल देना। इसके अलावा पंसारी की दुकान पे जाना है, गूगल, हरमल, लोबान, जटामासी, पीली सरसों, ये लेके आनी। इनको बेटा कूट कर मिक्स कर लेना कपूर के साथ, थोड़ी सी बेटा आधा चम्मच ये सारी सामग्री मिली हुई कपूर के साथ संध्या काल में शाम को अपनी दुकान पर रोज जलानी है और घर पे भी जलानी है। इसकी धुनी बेटा आपको देनी है, धुनी देके उसको उठा के बाहर रख देना है। ये उपाय बेटा आपको करना है। शराब पीते हो बेटा? हेलो जी गुरुजी। नशा नहीं करना बेटा, कभी शराब नहीं पीना, इस बात का ध्यान रखना। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, और दुकान पे जहाँ व्यापार करते उत्तर मुखी बैठना, उत्तर मुखी आपका फेस होना चाहिए बैठते वक्त, और उत्तर की दीवार पे एक शीशा भी लगा देना। तो प्रिय दर्शकों चलते चलते माँ देवी को मैं प्रणाम करूँगा आप सबकी तरफ से। आज फिर माँ देवी ने हम पर कृपा की, हमें आशीर्वाद दिया। माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम चिरकाल तक आपकी इसी प्रकार इस कार्यक्रम में सेवा करते रहें, इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। आप सबकी तरफ से माँ के चरणों में पुष्पम समर्पित। हमें प्रिय दर्शकों बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा।